बिहार टुडे न्यूज, हम हैं बिहारियों की आवाज। का समाधान है वो कैसे निकलेगा, क्योंकि अब तो रेलवे ने साफ साफ ये शो में कह दिया है कि समस्या का हल होगा, परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। देखिए आरआरबी ने जो अभी वो लिया, आरआरबी ने जो अभी जो स्टेप लिया है, अगर ये उसको वो 18 तारीख को ले लेता जो हम लोगों ने 8 मिलियन ट्वीट कराया था, तो इतना उपद्रव नहीं होता। लड़कों ने भी जो किया आरा में वो गलत है, कहीं से भी हिंसा स्वीकार नहीं है। हम एज ए टीचर उसकी हम निंदा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आरआरबी ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि उसने सारे स्टूडेंट से अपनी सुझाव 16 फरवरी तक मांगा है और हर एक आरआरबी से कहा है कि वो लोग अपनी रिपोर्ट 4 मार्च तक दे। इसके बाद क्या होगा तभी कह सकते हैं। अभी कमेटी बैठाई गई है, 5 मेंबर की कमेटी है। रेलवे को आरआरबी को ये काम पहले कर लेना चाहिए था, ऐसा विवाद नहीं होता। 2019 की वैकेंसी में जो नोटिफिकेशन आया था उसको अचानक आप 15 दिन पहले कहिएगा तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में होगा ही। देखिए ये गलत बात है, ये कुछ जो ऐसे स्वतंत्र यूट्यूबर घूमते हैं ना वो कुछ भी बोल देते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, आप इसको समझिए। आप सब लोग क्योंकि प्रतिष्ठित मीडिया से हैं, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप मतलब चीज़ों को सही मायने में पहुंचाएं। देखिए हम लोग हैं जो रोक के रखे हैं, आप अगर हमारे चीज़ों को देखेंगे, हमारे यूट्यूब को एक हफ्ते से फ्रीज कर लिया गया है। जो वीडियो डाल रहे हैं अगर उस पर आरआरबी लिख रहे हैं तो वो डिलीट कर दे रहा है। अभी भी हमारे वीडियो हम उसको डाले भी हैं यहाँ पर, हम लोग रोक के रखे हैं। अभी भी जयपुर के लड़के कह रहे थे जैसे हम लोग आज करेंगे आंदोलन, या फिर रेलवे का आज 26 जनवरी को, हमने सबको बंद कराया कि आज 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए और रेलवे ने कमेटी जारी किया। रही बात खान सर ने किया, तो एक काम करते हैं हम चुप हो जाते हैं तो आंदोलन भी चुप हो जाना चाहिए। खुद पढ़े लिखे लोग हैं, डीएम साहब भी गए थे रेलवे में राजेंद्र नगर, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि लीडरलेस ये आंदोलन चल रहा है, तो इसमें खान सर कहां से आ जाते हैं। लेकिन पटना डीएम का ये भी कहना है कि जो कुछ कोचिंग संस्थान है जिनके शिक्षक द्वारा हाँ, हाँ, किया जा रहा है उसमें हाँ, आपका भी नाम लिया गया है पटना डीएम द्वारा। देखिए पटना के डीएम साहब जो चंद्रशेखर सिंह, ये बहुत सुलझे हुए इंसान है, उनका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, वो अपने रिस्पांसिबिलिटी को 100% निभा रहे हैं, उनके कहीं से भी कोई गलत नहीं है। कुछ जो ऐसे गलत काम करेंगे उन पर लेना पड़ेगा। लेकिन आरआरबी को भी सोचना चाहिए कि एक टीचर गलत बोल सकता है, क्या पूरे हिंदुस्तान के टीचर और स्टूडेंट गलत नहीं बोलेंगे। ये आंदोलन जो उग्र हुआ इसके पीछे आरआरबी का सेकंड डिसीजन खराब था। एक्चुअली एनटीपीसी के लड़के कम थे, वो राजेंद्र नगर पे वेट कर रहे थे कि हमारे लिए आरआरबी कुछ अच्छा नोटिफिकेशन जारी करेगा। 3 बजे चंदन भारती की विशेष रिपोर्ट। थे राजेंद्र नगर टर्मिनल पे, रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें सारे लड़के खुश हो गए कि शायद मेरी मांग को सुन लिया गया। लेकिन उस नोटिफिकेशन में था कि जो 1.5 करोड़ लड़के हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं अब उनसे मेंस का एग्जाम दिया जाएगा। बताइए 2019 में आप फॉर्म भरा है, फरवरी में एग्जाम है, 15 दिन पहले कहिएगा कि आपसे मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। जो 1.5 करोड़ लड़के घर में बैठे थे वो अनऑर्गेनाइज तरीके से बिना किसी प्लान से सीधे चले, जिस वजह से ये जो भी जो घटनाएं हुई हैं वो ये घटनाएं कहीं से भी सही नहीं। हम लोग तो खुद रोक रहे हैं, हम लोग तो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। कहीं से आपको लग रहा है कि हम कहीं भी रोके हुए हैं? हम कल से हम लोग मतलब खाना पीना पढ़ाना छोड़ के लड़कों को शांत कराने में लगे हैं। लेकिन 1.5 करोड़ लड़कों को आप अचानक प्रोवोक कर दीजिएगा तो ये आरआरबी को सोचना चाहिए कि एक अकेला टीचर 1.5 करोड़ लड़कों को कैसे संभालेगा।